Hello, my dear students. My today's topic of discussion is very interesting and very important for your understanding, students. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम से. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके फर्दर भी दो पार्ट्स हैं. जैसे कि मैं पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करूं तो मैं इस तरीके का फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाना चाहूंगी. फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी को हम लोग शॉर्ट में CNS बोल देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेकेंड इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. और जो हमारा थर्ड सिस्टम है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो हम लोग शॉर्ट में स्टूडेंट्स इसको बोल देते हैं CNS, PNS और ANS. ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग चलते हैं. मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ इस पॉइंट को. सॉरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं. किंतु सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके फर्दर दो ब्रांचेस हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. आप हमेशा चीजों को फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ें तो आपको ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी रहेगी और आपको लर्निंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो जो CNS है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और आपको पता है कि हमारे CNS में बहुत सारे इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स हैं जो कि एक सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज की तरह काम कर रहे होते हैं. और यही CNS हमारा पार्ट है जहाँ पे साइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, सारा कुछ कंट्रोल सिस्टम यहीं पर. तो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. जितना भी कोऑर्डिनेशन का काम है, इंटीग्रेशन का काम है और कंट्रोलिंग का काम है, वेरियस नर्वस एक्टिविटीज को ये कोऑर्डिनेट करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और अगर हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के स्टूडेंट्स बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के सिस्टम है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को मैं NS लिख देती हूँ. और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम डील्स करता है जो इम्पल्सेस CNS से स्केलेटल मसल्स में जा रहे हैं. जो भी इम्पल्सेस CNS से मसल्स में जा रही हैं, स्केलेटल मसल्स में जा रही है. और जो इनवॉलेंट्री है, हम लोग इसको ऑटोनॉमिक भी बोल देते हैं इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को. यहाँ पे इम्पल्सेस आएंगी CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स लाइक ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. आप यहाँ लिख सकते हैं CNS टू इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो आ जाएंगे इनवॉलेंट्री में. और जो हमारा वॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं, टू टाइप्स ऑफ यहाँ पे नर्व फाइबर होंगे, सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर. सेंसरी का काम है इम्पल्सेस को कहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे. आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो सेंसरी फाइबर्स होंगे उनका क्या काम होगा, वो इम्पल्स को लेकर जाएंगे टिश्यू से CNS में. और CNS टू टिश्यू कौन लेकर जाएगा, इसका जस्ट उल्टा काम करेगा मोटर फाइबर्स. आप याद रखेंगे जो सेंसरी फाइबर्स हैं उनका क्या काम है, सेंसरी फाइबर्स का काम है कि वो टिश्यूज से CNS में लेकर जाएंगे इम्पल्स को. और जब ये वापस वाला रिएक्शन होगा तो हमारा ये मोटर फाइबर्स का काम होगा दिस. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इनवॉलेंट्री का ही पार्ट है स्टूडेंट से. यहाँ पे इनवॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है. इनवॉलेंट्री को अगर हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोल दें तो अच्छी बात होगी. और वॉलेंट्री में हम लोग दो पार्ट्स और क्लासिफाई करते हैं. यहाँ पे फर्दर दो ब्रांचेस आप इस तरीके से बना सकते हैं. दो नर्व्स हैं हमारे पास, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रही होंगी वो स्पाइनल नर्व्स में आएंगे और जो क्रेनियम ब्रेन को नर्व कनेक्ट कर रही होगी स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स में आ जाएंगे. तो ऑटोनॉमिक और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और यहाँ पे आ जाएगा पैरासिंपैथेटिक.
पैरा में भी वही दो चीजें आएंगी, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, और सिंपैथेटिक में स्पाइनल नर्व्स आएंगे खाली। तो आपको मैं एक लाइन में अगर यहाँ पे बता दूं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्ट एज एक्सेलरेटर का काम करता है, अगर हमें स्पीड अप रिएक्शन करनी है किसी भी रिएक्शन को, वो हमारा सिंपैथेटिक में आएगा। और जो पैरासिंपैथेटिक है वो ब्रेक का काम करता है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, मैंने जस्ट एक आउटलाइन आपको व्यू दिया है पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम का। मैंने न्यूरॉन्स का एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, साइनैप्स भी डाला हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा स्टूडेंट्स वो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पे होगा, और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हम लोग देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बताऊंगी। फिर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा डिटेल करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक सेपरेट वीडियो डालूंगी, ब्रेन पे एक सेपरेट डाल दूंगी वीडियो, CSF क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, एक मैं आपको पावलोव एक्सपेरिमेंट पे एक पूरा सेपरेट वीडियो डाल दूंगी। फिर हम लोग कुछ सेंस ऑर्गन को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और आज के लेक्चर में सिर्फ आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया मिला होगा, मुझे लगता है ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। और आप हमारे सभी वीडियोस को देखते रहिए, कंटिन्यू रही करते रहिए, स्टे ट्यून टू माय चैनल, अदरवाइज यू कांट एबल टू कनेक्ट द ऑल टॉपिक्स। सो दिस इज द बेसिक ऑफ पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। सो थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स फॉर कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड योर लव। आई होप वी विल मीट सून विद अ न्यू वीडियो। ओके, बाय बाय।